और खबरों में आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में गोली की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई है। सोमवार सुबह अज्ञात कारणों के चलते सराफा कारोबारी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। अचानक हुई इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस ने मृतक का शव पंचनामा बनाकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि राठ कस्बे के सर्राफा कारोबारी संजय सोनी ने पत्नी मोनिका से हुए विवाद और पत्नी के मायके चले जाने से आहत होकर अपनी जान दे दी है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक संजय का अपनी पत्नी मोनिका से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। बीते 4 दिन पहले मृतक संजय की पत्नी मोनिका लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके ग्राम बबीना चली गई थी। कस्बा राठ जनपद हमीरपुर निवासी संजय सोनी पुत्र नंद किशोर सोनी उम्र करीब 32 वर्ष ने किसी अज्ञात कारणों से अपने ही लाइसेंसी पिस्टल से अपने घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके से लाइसेंसी पिस्टल, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा विधिक कार्रवाई एवं जांच की जा रही है।